स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक जिसपे ऑलमोस्ट हर एक बंदे को विश्वास है कि वो कभी नहीं डूब सकता। ये एक सरकारी बैंक है, इसीलिए ये बहुत ही सुरक्षित है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हमें जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या है, डेबिट कार्ड की कितनी फीस लगेगी, पासबुक या चेकबुक आपको आपको डिलीवर किया जाएगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, सेविंग्स अकाउंट पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इन सारे सवालों के इम्पॉर्टेंट जवाब पहले मैं आपको दूंगा और फिर अकाउंट हम कैसे ओपन करते हैं वो हम देखेंगे। इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। ये अकाउंट हम घर बैठे बिना ब्रांच जाए वीडियो केवाईसी की हेल्प से आपके लिए हम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट कैसे ओपन होगा इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आप समझो कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। ये अकाउंट ओपन होने के बाद जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो कौन सा डेबिट कार्ड मिलेगा और आपकी आपकी जो डेबिट कार्ड की ईयरली फीस होगी वो कितनी होगी। इस केस में ये अकाउंट ओपन होने के बाद आपको SBI का रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा जिसकी फीस 200 रुपए प्लस 18% GST, तो टोटल हो गया 236 रुपए। ये आपके अकाउंट से सालाना डिडक्ट की जाएगी डेबिट कार्ड के लिए। और ये जो डेबिट कार्ड है वो आपको 15 डेज 15 दिनों के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर किया है। तो चलिए अब इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो आपको 2.30% का इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। वही अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 6.80% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको एक साल की FD पर। वही अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 7.30% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा एक साल की FD। आपको जो वेलकम किट आपके घर पे 15 दिनों के अंदर आने वाला है उसमें हो सकता है कि डेबिट कार्ड के साथ चेकबुक भी हो, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि डेबिट कार्ड ही आता है वेलकम किट के अंदर और चेकबुक नहीं आता है, तो उस केस में आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको चेकबुक के लिए योनो एप्लीकेशन से अप्लाई कर देना है या फिर आप बैंक में भी जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। एंड रही बात पासबुक की, तो पासबुक आपको वेलकम किट के अंदर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बैंक में जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो आपको वो पासबुक वहां पर से दे देंगे अपडेट करके। अगर आपको SBI में अकाउंट ओपन करना है तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्ले स्टोर में जाइए अपने मोबाइल में और यूनो SBI करके एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखेगा। वो स्क्रीन पे पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर और न्यू टू SBI। आपको न्यू टू SBI पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जो कि है ओपन सेविंग्स अकाउंट। ओपन सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, विदाउट ब्रांच विजिट, विथ ब्रांच विजिट। आपको विदाउट ब्रांच विजिट करना है ताकि आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद विदाउट ब्रांच विजिट पे जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट का, वही आपको क्लिक करना है। लेकिन आप नीचे देख पा रहे हैं आई वॉन्ट टू ओपन अ सैलरी वाला ऑप्शन है। अगर आपको सैलरी अकाउंट ओपन करना है तो ही आप उस ऑप्शन पे टिक कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। आपको सिर्फ इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, रिज्यूम एप्लीकेशन। स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन में हमारे को स्टेप्स मिलेंगे जिससे हम अकाउंट खोल पाएंगे। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयर डिटेल्स यहाँ पर डालना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा माय एम्प्लॉयर इज नॉट लिस्टेड अबव, प्लीज प्रोसीड फॉर इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, ये वाले ऑप्शन पे टिक मार्क कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि वीडियो KYC प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, सारा पेपरलेस होने वाला है, वीडियो KYC के थ्रू आपका अकाउंट ओपन होने वाला है। तो आपको आई एम लिटरेट और ये सब पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। आपको आधार पे OTP आएगा, पिन आएगा, ऐसे ऐसे आपको आगे बढ़ते रहना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। ये दोनों भी डिटेल्स आप क्या कीजिएगा, करेक्ट वाला डालिएगा जो लॉन्ग टर्म आप यूज करेंगे, टेम्पररी वाला नहीं, और फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपके आधार सॉरी मोबाइल नंबर वाले पे OTP आएगा एंड आपको ईमेल पे OTP आएगा। इन दोनों का भी OTP आपको प्रॉपरली यहाँ पर डाल देना है। करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको 8 कैरेक्टर्स का मिनिमम बनाना है, अल्फा न्यूमरी, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स रहने चाहिए उसके अंदर, राइट। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, भूल गया @123, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टैक्सेशन के लिए पूछा जा रहा है कि आई एम लायबल फॉर टैक्स इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री, तो वहाँ पर टिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई अग्री टू द अबाउ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है, प्रॉपरली आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डालना है। जो भी आधार पे आपका नाम डिटेल्स है सब कुछ यहाँ पर फेच हो जाएगा। तो आप मेल है तो मिस्टर आ जाएगा, फिर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब यहाँ पर लिखा होगा ऑलरेडी जो आपका आधार पे है होगा। फिर आप अगर आगे करेंगे नेक्स्ट, तो फिर यहाँ पर आपको आपके आधार पे जो रजिस्टर्ड एड्रेस था वो एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है,
सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और टाउन या विलेज जो भी है आपको उसमें लिख देना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने का भी ऑप्शन आ सकता है, जहां पर आप अपना करेंट एड्रेस अभी डाल सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। एंड फिर आगे आप नेक्स्ट तीनों ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिएगा एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर पूछ रहे हैं, पैन नंबर आप प्रॉपरली यहाँ पर डाल दीजिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आधार से जो फोटो लिया गया है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, फोटो देखिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने ग्रेजुएट किया है, SSC HSC किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है आपने, राइट, या अगर आपने 10th भी पास नहीं किया तो उसका भी ऑप्शन है, तो वो उसमें से आप जो भी आपका है प्रोफेशनल है, आप डॉक्टर हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपका मैरिज स्टेटस पूछ रहे हैं कि मैरिड हो अनमैरिड हो, तो आप जो भी हैं स्टेटस आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पूछा जा रहा है आपका प्लेस ऑफ बर्थ या सिटी ऑफ बर्थ, जहाँ भी आपने जन्म लिया है वो जगह का नाम डाल दीजिए और फिर आपको यहाँ से आपका फादर्स नेम और मदर्स नेम और या स्पाउस अगर आपके हैं, स्पाउस का मतलब होता है अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, वाइफ अकाउंट ओपन करिए तो उसके हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो फिर सिर्फ मदर फादर का नाम डाल के छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट नेम मिडल नेम और लास्ट नेम डालना है आपको, अगर मिडल नेम नहीं भी है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल के आगे आई डिक्लेयर माई कंट्री ऑफ बर्थ सिटीजनशिप एंड नेशनलिटीज इंडिया पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, जो कि अगर आप जॉब करते हैं तो सर्विस सिलेक्ट कीजिए, अगर आप इंजीनियरिंग डॉक्टरी वगैरह कुछ कर रहे हैं तो अदर्स में जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आपका प्रोफेशन चूज कीजिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है नॉमिनी डिटेल्स डालना, तो अगर आप अपने भाई बहन मम्मी पापा या बच्चे बीवी किसी को भी आप नॉमिनी बना रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने नॉमिनी का नाम लिख दीजिए पूरा एज पर उनके आधार कार्ड के हिसाब से, अपना रिलेशनशिप बताइए, जैसे अपनी बहन के लिए आप कर रहे हैं नॉमिनी बना रहे हैं उनको तो आप अपनी बहन को सिस्टर लिख दीजिएगा, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप अपने बच्चे के लिए ओपन करें तो उसका प्रॉपरली डिटेल्स डालने के बाद नीचे आपको गार्जियन नेम और गार्जियन एज पूछा जा रहा है, तो गार्जियन के नेम में आप अपनी वाइफ का डाल सकते हैं और अगर वाइफ अकाउंट ओपन करवा रही हैं अपना और बच्चे को डाल रही हैं तो अपने हस्बैंड का आप गार्जियन नेम में डाल दीजिए और उनका एज डाल दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका नॉमिनी का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस और प्रॉपरली पिन कोड डाल दीजिएगा, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, सारे डिटेल्स प्रॉपरली चेक करने के बाद उनके आधार कार्ड के हिसाब से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपना होम ब्रांच चूज करना है, तो आपके आधार के हिसाब से आपका स्टेट ऑलरेडी ले लिया गया है कि आप कौन से स्टेट या सिटी या टाउन में रहते हैं, बस आपको ब्रांच नेम पे जाके आपको SBI लिखना है, आपको नियरेस्ट जितना भी SBI का ब्रांच होगा वो आपको मिल जाएगा, आपका जो भी आपका जगह का नाम है वो लिखेंगे, वैसे ही आपको नियरेस्ट SBI के जितने भी 2-3 ब्रांचेस होंगे वो दिख जाएंगे, आपको जो नियरेस्ट लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है, तो थोड़ा स्क्रॉल करके आई हैव रेड एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस वाले चेकबॉक्स को चेक कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डाल दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड पे आपका कैसा नाम दिखना चाहिए वो दिखाया पूछा जा रहा है, तो अगर आपको अपना पूरा नाम चाहिए तो पूरा नाम डाल दीजिए और अगर आपको सिर्फ अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल के आगे नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि टोकन नंबर आपको जनरेट होगा, ये टोकन नंबर का आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या फिर आप लिख के रख सकते हैं उसको और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आई वॉलंटरी एंड एक्सप्रेसिवली कंसेंट टू ऑथराइज द बैंक। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि वीडियो KYC प्रोसेस जो है वो कैसे होने वाला है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड एक प्लेन पेपर चाहिए जिसपे आप साइन करके दिखाएंगे, एक पेन चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट वीडियो कॉल पे क्लिक करेंगे आपको एक डायरेक्ट किया जाएगा SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हैं आपको एक एम्प्लॉय कनेक्ट करेंगे SBI के और ये सारे परमिशंस आपको देने हैं। एम्प्लॉय कनेक्ट करने के बाद आपको पूछेंगे, आपको आधार कार्ड दिखाने बोलेंगे, आपका पैन कार्ड दिखाने बोलेंगे, साइन करके आपको दिखाने बोलेंगे, आपको 2-3 सवाल पूछ लेंगे आपके बारे में एंड आपका वीडियो KYC आपका कंप्लीट हो जाएगा SBI का और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है ना कि आप वीडियो KYC करते वक्त है ना वो आप SBI के एम्प्लॉय से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वहां पर एक रीस्केड्यूल का ऑप्शन होता है, रीस्केड्यूल पे ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप स्केड्यूल कर पाएंगे वीडियो कॉल के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आज 20 तारीख है समझ लीजिए, आपको 21 तारीख का है ना 1 बजे से 2 बजे का स्लॉट बुक करना है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। वो स्लॉट बुक करने के बाद क्या होगा, आपको एक SMS के थ्रू लिंक आएगा, ठीक है, वो आपको SMS गलती से भी डिलीट नहीं करना है। कल आपको 1 बजे के करीब आपका आधार कार्ड पैन कार्ड एक प्लेन पेपर और एक पेन लेके बैठ जाना है, अपने मोबाइल को लेके या लैपटॉप को लेके, ठीक है, जिसमें कैमरा वगैरह सब वर्किंग हो। आपको वेट नहीं करना है कि आपको SBI का एम्प्लॉय कॉल करेगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है जो आपको रिसीव हुआ है और फिर वहां पर आपको एक्टिव रहना है, SBI का एम्प्लॉय आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और फिर वहां पे आपका वीडियो KYC प्रॉपरली किया जाएगा एंड फिर उसके बाद आपका SBI का अकाउंट डिटेल्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। विदिन 15 डेज के अंदर आपको आपका वेलकम किट मिलेगा जिसके अंदर आपको ये हो सके तो चेकबुक और डेबिट कार्ड दोनों मिल सकता है या फिर सिर्फ अगर डेबिट कार्ड मिलेगा
उसके लिए आपको उस वक्त कोई पैसे नहीं देने हैं, मैंने आपको फीस बता दी है जो हर साल लगेगी वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे उनको देने की जरूरत नहीं है, ना पासबुक का पैसा ना चेकबुक का पैसा। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये चैनल जो है फाइनेंस के रिलेटेड है, तो जो भी चीज़ें फाइनेंस के रिलेटेड होती है, स्टॉक मार्केट, IPO, म्यूचुअल फंड्स, राइट, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, बेसिक जितनी भी चीज़ें होती है मैं उसको ईजिएस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।